हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 है, तो चलो चलते हैं। इन आवर डेली लाइफ देयर आर मैनी इंस्टेंसेस व्हेन वी नोटिस ए सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ मटेरियल। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड विद स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। फिगर पर जैसे कि पॉइंट पर ये कह रहा है कि हमारी डेली लाइफ में बहुत से ऐसे हमें मिक्सचर को हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम इसमें एक एग्जांपल दिए कि जब हम चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने के दौरान हम क्या करते हैं कि जो टी लीव्स होते हैं, जो चाय पत्ती होती है, उसको हम सेपरेट करते हैं। किससे सेपरेट करते हैं? उसके लिक्विड से, क्योंकि हम चाय पत्ती को तो खाते नहीं हैं, ठीक है। उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, जो लिक्विड बच जाता है उसको हम पी लेते हैं, ओके। तो नेक्स्ट जैसे दिया गया है कि ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स बाय हार्वेस्टिंग, मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर। एज वी लर्न इन चैप्टर ही, वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर, ओके। जैसे फसल कटाई के दौरान क्या होता है, हार्वेस्टिंग बोलते हैं फसल कटाई को, ठीक है। तो फसल कटाई के दौरान क्या होता है कि जो भी हम अनाज को क्या करते हैं, भूसे से सेपरेट करते हैं, तो वो भी क्या होगी, एक सेपरेशन होगी। इसी प्रकार जैसे हम मिल्क से या दही से या मक्खन सेपरेट करते हैं, ठीक है, मक्खन को भी हम सेपरेट करते हैं, वो भी एक सेपरेशन का प्रोसेस है। इसी तरह पिछले हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि जो जैसे हमने एक प्रोसेस बताई थी आपको गिनिंग, तो गिनिंग प्रोसेस से हमने किया था कि कॉटन जो था, कॉटन को उसके बीज को अलग किया था हमने, और कॉटन को अलग किया था, ओके, फाइबर वाले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था, ओके। नेक्स्ट, परहैप्स यू माइट हैव ईटन साल्टेड दलिया और पोहा। इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट, यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग, ओके। तो जैसे कि अगर आप दलिया खाते हो या पोहा खाते हो, या दलिया पोहा या कुछ भी खाते हो आप, जैसे घर में दाल चावल हो गया या पुलाव हो गया, तो उसमें जैसे घर वालों ने मिर्च डाली होती है, तो आपको जैसे हरी मिर्च या जो भी उन्होंने मिर्च डाली होती है, अगर वो दिखाई देते हो, आप क्या करते हो उसको सेपरेट कर देते हो, तो वो भी हम, ये सेपरेशन की प्रोसेस क्या होती है, हमारे डेली लाइफ में चलती रहती है, ओके। सपोज यू आर गिवन ए बास्केट कंटेनिंग मैंगो एंड गावा and ask to separate them, what would you do? Pick out one kind of and one place them in separate container, right? Okay, जैसे ये कह रहा है कि आपको एक गावा और मैंगोस की एक बास्केट भरी हुई दी जाती है, इकट्ठे मिक्स पड़े हैं, तो वो आपको क्या करना है, उनको सेपरेट करना है। तो वेरी इजी है आपको सेपरेट करने में, बहुत आसानी, वन बाय वन आप पिक करते जाओगे, ओके। तो आपको पता है गावा कौन सा है, मैंगो कौन सा है, उसको आप सेपरेट कर लोगे, ठीक है। सीम्स इजी बट वट इफ द मटेरियल वी वॉन्ट टू सेपरेट मच स्मॉलर देन मैंगो और गावा। इमेजिन दैट यू आर given a glass of sand with salt, mix it. Impossible even to think to separate salt from the mixture by picking out grain of some hand. ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये तो जो था, जो आपको दिया हुआ था मैंगो और गावा का, तो वो तो ईजी था। आप सोचो कि आपको एक गिलास में सैंड और सॉल्ट, नमक को मिक्स करके दे दी जाए, और आपको बोला जाए कि उसको आपने अपने हाथों से अलग करना है, तो क्या आप अलग कर पाएंगे? नहीं, वो बहुत ही इम्पॉसिबल होगा। सैंड भी बारीक होती है, नमक भी बारीक होती है, तो आप कब तक उसको सेपरेट करते रहोगे? तो इम्पॉसिबल है, सेपरेट हो ही नहीं सकता, ओके। बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस लाइक दिस एट ऑल इज वट पहेली वॉन्ट टू नो, ओके। तो पहेली ये जानना चाहती है कि इन सब्सटेंसेस को, इन मिक्सचर को या इन पदार्थों को हम कैसे एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं, ओके। तो चलो नेक्स्ट एक्टिविटी 1.1 दिया गया है, 5.1 टेबल दिया गया है। आर गिवन फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड वे सेपरेटेड components are used in mention in column 2 and 3 respectively. However, the information given in column 2 and column 3 is jumbled up. Can you match each
प्रोसेस विद इट्स पर्पस एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट आर यूज। ओके, तो ये आपको टेबल 5.1 दिया गया है, तो ये कह रहा है कि इसमें कुछ प्रोसेस दी गई है, सेपरेशन प्रोसेस दी गई है, तो बाकी का जो दिया गया टेबल, जैसे पर्पस ऑफ विच वी यू डू द सेपरेशन, व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट, तो ये कह रहे हैं कि ये टेबल जो एक जंबल्ड तरीके से दिया गया है। ओके, मतलब आपने इसको अरेंज करना है, ये गलत दिया गया है, आपने इसको अरेंज करना है कि नंबर 1 पे क्या आएगा, नंबर 2 पे क्या आएगा, नंबर 3 पे क्या आएगा। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं 1 बाई 1। तो चलो मैं पेन ले लेता हूँ। तो नंबर 1 पे दिया गया है सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे ए पार्ट में हम देखेंगे टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। तो ये वाला कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट कर रहा हूँ। ओके, फर्स्ट कर रहा हूँ। तो ये कह रहा है कि टू सेपरेट टू डिफरेंट थिंग बट यूजफुल कंपोनेंट, नहीं, हाँ टू डिफरेंट थिंग तो हैं बट दोनों यूजफुल नहीं है, स्टोन हमारे लिए यूजफुल है ही नहीं, तो ये आएगा नहीं। टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, ओके, हाँ ये तो है कि वो नॉन अपना ये टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, हाँ नॉन यूजफुल। थर्ड को टू रिमूव इम्प्योरिटी और हार्मफुल, हाँ अगर हमारे राइस में स्टोन आ जाता है तो वो क्या होगा, वो बहुत ही हार्मफुल होगा ये, और एक तरह की वो इम्प्योरिटी है। ओके, तो इसका फर्स्ट का क्या आएगा, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे इस वाले में ये आएगा फर्स्ट। ओके, तो सेकंड में अब इसके व्हाट डू वी डू विद द सेपरेट कंपोनेंट, अब इसमें देखते हैं इसमें को, बी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, यस बी थ्रो अवे द, हम उसको फेंक सकते हैं। बी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, यस हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पे इम्प्योरिटीज वाला लिया है, तो हमने यहाँ पे इम्प्योरिटीज, तो वन वाला क्या होगा, यहाँ पे वन आएगा ये। ओके, तो अब नेक्स्ट चलते हैं चर्निंग, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, यस टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, ओके हाँ ये ठीक है। टू रिमूव नॉन यूजफुल, हाँ ये चर्निंग मिल्क और बटर जो है वो दोनों यूजफुल हैं, तो ये यहाँ पे आएगा, ये 2 नंबर आएगा। ओके, ये 2 नंबर आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम दूसरा नंबर कहाँ पे, बी थ्रो, नहीं हम किसी को भी नहीं फेंकेंगे, हम जो लस्सी बनेगी उसको भी नहीं फेंकेंगे और वो बटर होगा उसको भी नहीं। बी यूज बोथ द कंपोनेंट, हाँ हम दोनों को यूज़ कर सकते हैं, हम लस्सी भी पी लेंगे और मक्खन भी ले लेंगे उससे। ओके, अब सेपरेट थर्ड है सेपरेट टी लीव्स, ओके सेपरेट टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, हाँ हमारे वो क्या टी तो हमारे वो जब एक बार हमने उसको यूज़ कर लिया चाय पत्ती को, तो वो हमारे तो यूज़ में रही नहीं। ओके, तो वो हमारे लिए क्या बन गया, नॉन यूजफुल कंपोनेंट, उसको हमने ये आएगा नंबर 3। एंड यहाँ पे देखेंगे बी थ्रो अवे द सॉलिड्स कंपोनेंट, हाँ हम उसको फेंक देते हैं। ओके, तो ये आएगा 3। अब ये था यहाँ पे इस 1 बाई 1, आप इसको टेबल को सही कर लेना। ओके, तो अब इसके नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट वी सी दैट बिफोर वी यूज ए सब्सटेंस वी नीड सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस दैट वी मेड मिक्स विद इट, sometime we separate even useful component if we need use them separately, the substance to be separated be particle of different size or material, these may be in any 3 state of matter, solid, liquid or gas, so how do we separate substances mixed together if they have so many different properties? Okay, तो ये कह रहा है कि जैसे हमने ऊपर किया, हमने ऊपर क्या किया हमने, कि जो हमारा ये था जो हमने इस वाले टेबल में किया, वो डिफरेंट थिंग्स को हमने इम्प्योरिटीज थी या यूजफुल था नॉन यूजफुल था उसके अगेंस्ट हमने उनको सेपरेट किया, तो ये कह रहा है कि हमारे पास कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जो सॉलिड लिक्विड या गैस में भी हो सकते हैं, तो उन मिक्स हो सकते हैं, तो उन चीज़ों को हम कैसे सेपरेट करेंगे। ओके, तो
ओके तो चलते हैं हम 5.1 मेथड ऑफ सेपरेशन की ओर। ओके तो हमारे कई तरह के मेथड ऑफ सेपरेशन है जो हम अपनी डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। ओके तो सबसे फर्स्ट है हमारा हैंड पिकिंग। ओके सबसे फर्स्ट है हमारा कौन सा, हैंड पिकिंग। तो इसमें एक्टिविटी टू की ओर चलते हैं। ब्रिंग ए पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज फ्रॉम ए शॉप टू द क्लासरूम। नाउ स्प्रेड द ग्रेन ऑफ ए शीट ऑफ पेपर। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर आर देर पीसीज ऑफ स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन्स एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन्स इन इट। नाउ रिमूव विद योर हैंड द पीस ऑफ स्टोन, हस्क एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट। तो ये कह रहा है कि आप दुकान से क्या कीजिए, एक अनाज का पैकेट लीजिए, कुछ दाल का पैकेट ले लीजिए, कुछ भी पैकेट ले लीजिए आप। तो उसको क्या आप क्या करिए, क्लासरूम में अपने में एक पेपर के ऊपर थोड़ा सा लीजिए दाल और पेपर के ऊपर रख दीजिए आप। या आप क्लासरूम में नहीं करना, आप अपने घर में ही कर सकते हो। ओके तो आप क्या कीजिए, घर में से कोई दाल लीजिए तो उसको आप एक पेपर लीजिए, पेपर के ऊपर रख दो। ओके तो आप क्या देखेंगे, जो दाल होगी या कुछ भी आपने जो भी अनाज लिया है, चावल लिए हैं या गेहूं लिया है, तो उसमें क्या देखेंगे, एक तो उसमें जो उसके छोटे टुकड़े भी होंगे, एक पूरे टुकड़े होंगे, छोटे टुकड़े होंगे, कुछ और पार्टिकल भी होंगे उसमें। ओके कुछ भूसा भी हो सकता है उसमें, या अपना छोटे छोटे कण क्या मिट्टी के भी हो सकते हैं या पत्थर भी हो सकते हैं। ओके कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या करोगे, आप उनको अपने हैंड से क्या करोगे, आप सेपरेट कर दोगे। ओके वो इजीली सेपरेट हो जाएंगे, आपको दिखेंगे वो, क्योंकि आपके पास मटेरियल भी थोड़ा था और उसमें इम्प्योरिटी भी कम थी। मतलब जो भी मिक्सचर था या पत्थर थे या कुछ अन्य कण थे या छोटे कण थे, वो बहुत कम मात्रा में थे। आपने क्या किया, उसको बड़ी इजीली से सेपरेट कर दिया। ठीक है, दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटी लाइक ए पीस ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम वीट, राइस, पल्सिस। द क्वान्टिटी ऑफ सच इम्प्योरिटी इज यूजली नॉट वेरी लार्ज इन सच। हाँ ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, हैंड पिकिंग। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हैंड पिकिंग, जैसे आपकी जैसे फिगर 5.3 में दिया भी गया है, हैंड पिकिंग स्टोन फ्रॉम ग्रेन्स। एक इसकी थैली पड़ी हुई है, अनाज की थैली, उसने प्लेट में लिए हुए हैं। ओके तो ये क्या कर रहा है, ये प्लेट में जो है वो अनाज पड़ा हुआ, जो कुछ इम्प्योरिटी निकल रही है वो नीचे फेंक रहा है इसको। ओके नेक्स्ट है हमारा थ्रेशिंग। थ्रेशिंग भी एक प्रोसेस है। ओके तो थ्रेशिंग किस इसका प्रोसेस है, थ्रेशिंग जैसे चावल या गेहूँ को अलग करने वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन बंडल ऑफ वीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। ईच स्टॉक्स हैज़ मैनी ग्रेन सीड्स अटैच। इट इज अमेजिंग द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड। हाउ डज द फार्मर सेपरेटेड ग्रेन सीड फ्रॉम द बंडल ऑफ स्टॉक्स। ऑन मे प्लक मैंगोस और गावा फ्रॉम द ट्रीज, बट ग्रेन सीड्स इज मच स्मॉलर देन मैंगो और गावा, सो पिक्ड फ्रॉम देयर स्टॉक्स सो बी इम्पॉसिबल। हाउ डज इट सेपरेट फ्रॉम देयर स्टॉक्स। द प्रोसेस ऑफ यूज टू सेपरेट ग्रेन एंड स्टॉक्स इज थ्रेशिंग। In this process, the stalks beaten to free grain seeds. Sometimes threshing is done with the help of bullocks. Machines are also used to thresh large impurity of grain. Okay, तो ये कह रहा है कि जो पौधों से अनाज करने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। क्या क्या होता है कि जैसे आपके धान के पौधे हैं या इसके गेहूं के पौधे हैं, तो उसको क्या करते हैं, ठीक है, अलग करने से पहले क्या करते हैं, उसको धूप में सुखाते हैं। आपने देखा होगी जब फसल को आप काटते हैं, ओके, तो अब तो थ्रेशिंग वाला सिस्टम चल रहा है, लेकिन कई गाँव में होता है जहाँ पर बिल्कुल
थोड़ी मात्रा में खेती की जाए, तो वो क्या करते हैं कि फसल को पहले काटते हैं, फिर धूप में सुखाते हैं, फिर उस सूखी हुई डंडी से क्या करते हैं, वो उसको सेपरेट करते हैं, अनाज को सेपरेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा, इन्होंने पहले एग्जांपल दिया भी गया था कि मैंगो और उसका गावा का एग्जांपल दिया था कि वो तो आप पेड़ से तो तोड़ रहे हो, तो वो तो सेपरेट करना आपके लिए इजी है, या उससे थ्रेशिंग करना इजी है, लेकिन जो अनाज है वो उसको सेपरेट करना, उसके जो सूखे डंठल होते हैं वो बहुत ही टफ है। तो इसके लिए क्या, कौन सा ये प्रोसेस किया जाता है? ओके, तो इसके जैसे थ्रेशिंग, ये देखो, तो पहले क्या होता था, पहले तो या तो बैलों से की जाती थी। ओके, या तो बैलों, जैसे अनाज को क्या किया जाता था, एक जगह पे रख दिया जाता था जमीन पे इकट्ठा करके, और क्या किया जाता था कि बैलों को उसके ऊपर घुमाया जाता था। ओके, बैलों तो उससे उनके पैरों से क्या होते थे, वो अनाज के वो सीड्स होते हैं वो अलग हो जाते थे और भूसा अलग हो जाता था। ओके, तो फिर क्या करते थे, जब जब बैल नहीं थे तो उससे पहले क्या करते थे, कई बार बैलों से नहीं करते हैं, तो उससे पहले क्या करते थे, वो एक पत्थर पे उसको पीटते थे। ओके, जो जहाँ पे अनाज होता है वो उसको पीटते थे, तो वो पीट पीट के क्या हो जाता था, वो भूसा घास जो था वो अलग हो जाता था, और वो आपके धान या गेहूं जो भी थी वो अनाज वो हमारा सेपरेट हो जाता था। आजकल तो मशीनें आ गई हैं बहुत, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते थे, थ्रेशिंग बोलते थे। ओके, तो नेक्स्ट है आपका बिनोइंग। ओके, बिनोइंग एक्टिविटी 3, मेक ए मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सावडस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स, कीप दिस मिक्स ऑन ए प्लेट और ए न्यूज़पेपर, लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली, कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट बी मेड आउट इजिली, आर द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ टू कंपोनेंट सिमिलर, वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट बाई हैंड पिकिंग? ओके, तो ये कह रहा है कि आप क्या कीजिए कि आप एक लकड़ी का बुरादा लीजिए और रेत लीजिए और सूखी पत्तियों का कुछ मिक्सचर लीजिए, उसको आप एक न्यूज़पेपर या किसी भी प्लेट में ले लीजिए। ओके, तो इनको मिक्स करिए और इनको ध्यान ध्यान से देखिए कि ये इन सभी का साइज़ डिफरेंट है या दो दो का साइज़ डिफरेंट है, तो आप क्या, आप उसको जो है, इससे पहले हमने हैंड पिकिंग का प्रोसेस पढ़ा था। ओके, सेपरेशन का पढ़ा था ना, मैंगो वाला या चावल से कंकर निकालना वो वाला पढ़ा था, क्या आप उस तरीके से इसको सेपरेट कर पाओगे? ओके, तो आप इसको इस तरीके से सेपरेट नहीं कर पाओगे। ओके, नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन रेस प्लेटफॉर्म, पुट द मिक्सचर ऑन ए प्लेट ऑफ शीट पेपर, होल्ड द प्लेट द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट, टिल्ट इट स्लाइटली सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली। तो ये क्या कर रहा है कि आप उस मिक्सचर को, जो प्लेट में आपने मिक्सचर रखा हुआ है, ओके, उसको आप हवा में ले जाइए। ओके, हवा में ले जाइए और उसको क्या कीजिए, आप इस तरह से खड़े होइए, ये जो आप ये फिगर बताया हुआ है 5.5, कि आपने जो प्लेट है उसको अपने कंधे की ऊंचाई तक ले जाना है, और हाँ, तो उसने क्या करना, आपने उसको अपने कंधे की ऊंचाई तक ले जाना है उस मिक्सचर को। ओके, तो फिर आपने क्या करना है, जिस साइड उसको नीचे नीचे से हल्के हल्के से आपने उसको टेढ़ा करना है, टिल्ट करना है उसको जो थाली है। ओके, तो क्या होएगा, जो रेत है भारी भारी, और वो उसके साथ जो मिक्सचर है वो गिरने लगेगा। ओके, और जिस साइड से हवा, उसके अपोजिट साइड से, जिस भी साइड से हवा आ रही होगी, ओके, तो क्या होगा, रेत रेत तो क्या होएगी, वो नीचे बैठ जाएगी, और जो आपके जो कण होंगे, जो सॉडस्ट के या दूसरे जो होंगे अपने सूखी पत्तियों के, वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, वो हवा में उड़ने लग पड़ेंगे। ओके, तो इस प्रोसेस के लिए कि आपको डायरेक्शन ऑफ एयर का होना बहुत जरूरी है, किस हवा से आपको डायरेक्शन मिल रही है। ओके, तो यहाँ कहाँ थे, हाँ, बट हैपन डू द बोथ कंपोनेंट सैंड एंड सॉडस्ट फॉल इट एट द सेम प्लेस। ओके, तो ये कह रहा है कि सॉ और सैंड डस्ट जो कि सेम जगह पे पड़ी नहीं, तो सॉ डस्ट तो वो उड़ के आगे चली जाएगी,
और जो हमारा सैंड थी वो नीचे रह जाएगी। ओके, तो दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। तो इस तरह के हम जो सेपरेटिंग मेथड होता है कंपोनेंट का, जो जितने भी हमने मिक्सिंग के, जैसे ये अनाज को कर रहे हैं, छोटे छोटे कण इसमें से उड़ा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, विनोइंग। ओके, तो इसी प्रोसेस को क्या करते हैं, जो किसान जो होते हैं वो अपनी खेती में से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, अपने भूसे के पार्टिकल हो गए या कुछ और पार्टिकल हो गए, तो उनको सेपरेट करने में, हवा की सहायता से सेपरेट करने में वो इस प्रक्रिया को या इस प्लेटफॉर्म को वो यूज़ करते हैं। ओके, तो ये थी आपकी विनोइंग, एंड नेक्स्ट है आपकी सीविंग। ओके, सीविंग नेक्स्ट है हमारा सीविंग। समटाइम वी मे विश टू प्रिपेयर ए डिश विद फ्लोर, वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटी एंड ब्रैन दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। बट डू? वी यूज ए सीव्स एंड पोर द फ्लोर इन टू इट। सीव्स अलाउ टू फाइन फ्लोर पार्टिकल टू पास थ्रू द होल ऑफ द सीव्स वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन्स ऑन द सीव। इन ए फ्लोर मिल्स इम्प्योरिटी लाइक हस्क एंड स्टोन आर रिमूव्ड फ्रॉम वीट्स बिफोर ग्राइंडिंग इट। यूजली ए बैग फुल ऑफ वीट इज पोर्ड ऑन ए स्लेंटिंग सीव्स। द सीविंग रिमूव्स पीसीज ऑफ स्टोन स्टॉक्स एंड हस्क दैट मे स्टिल रिमेन विद वीट आफ्टर थ्रेशिंग एंड विनोइंग। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे घर में कुछ व्यंजन बनाने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले हम आटे को छानते हैं। तो आटे को छानने में क्यों छानते हैं हम, क्योंकि उसमें कुछ इम्प्योरिटी होगी या कुछ उससे आटे के जो अनाज के जो बड़े पार्टिकल हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उनको आटे को छानते हैं। ओके, लेकिन जब वो हमारे जो मशीनों में जाता है या फ्लोर मिल में जब आटा पीसने के लिए जाता है, तब भी वहाँ पे क्या किया है, जो वो इम्प्योरिटीज़ को हटाया जाता है। एक उनके पास एक सीव सी होती है, टिल्टर होती है, टेढ़ी सी सीव सी होती है, उसमें से क्या है? पहले उस जो भी आपके जैसे गेहूं है उसको उसमें से गुजारा जाता है, तो उसकी जो इम्प्योरिटी होएंगी जो किसानों से बच गई हैं, ओके, जैसे विनोइंग के थ्रू जो रह गई हैं, विनोइंग या थ्रेशिंग के दौरान जो इम्प्योरिटीज रह गई हैं, तो उसको क्या है, फ्लोर मिल में सेपरेट किया जाता है। ओके, तो जैसे कि आपने देखा होगा ये फिगर 5.6 में दिया गया है सीविंग का एग्जाम्पल है। यू मे ऑल्सो नोटिस सिमिलर सीव्स बींग यूज टू कंस्ट्रक्शन साइट टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड। ठीक है, तो आपने क्या देखा हो कि जो कंस्ट्रक्शन जहाँ पे घर बनाने का काम चल रहा है या कुछ बनाने का काम चल रहा है, वहाँ पे भी आपने इस तरह की सीव्स देखी होगी। ओके, तो इस यहाँ पे क्या करते हैं, जो रेते को छानते हैं, सैंड को जो छानते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम, उनको बारीक रेता चाहिए होता है कंस्ट्रक्शन वर्क को के लिए, तो वो क्या करते हैं, जो मोटे मोटे पत्थर होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए इस सीव्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो चलते हैं एक्टिविटी 4 की ओर। ब्रिंग ए सीव एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम टू द क्लास। सीव्स द फ्लोर टू सेपरेट द इम्प्योरिटीज इन इट। नाउ मेक फाइन पाउडर ऑफ चाक पीसीस एंड मिक्स इट इन द फ्लोर। कैन बी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर चाक वाई सीविंग। सीविंग इज यूज वेन कॉम्पोनेंट ऑफ ए मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज। ओके, तो ये कह रहे हैं कि मतलब आप क्या किए, अपनी क्लास में आप क्या सीव्स को ले जाइए, घर में देख लीजिए, आप अपने घर में या क्लास में एक सीव्स लीजिए, छन्नी लीजिए, तो उसमें क्या किए, आप एक आटा लीजिए और एक चाक पाउडर लीजिए। ओके, तो एक आटा और चाक पाउडर का बिल्कुल बारीक होते हैं, तो उनको आप मिक्स करेंगे, तो उनको सीव्स के थ्रू क्या करके छानी है। तो क्या ये कह रहा है कि क्या वो सेपरेट हो पाएंगे, मतलब आटा अलग हो जाएगा या चॉक पाउडर अलग हो जाएगा,
तो ये इसके कहने का मतलब है, पर वो बिल्कुल सेपरेट नहीं होंगे, क्योंकि जो छोटे छोटे कण होते हैं जितने की सीव्स में निकल सकते हैं वो आटे और उसके साथ में ही निकल जाएंगे, तो और जो बड़े बड़े कण हैं वो सीव्स के भी बच जाएंगे या चाक पाउडर के भी बन जाएंगे। तो जो सीविंग प्रोसेस है वो उसी मटेरियल को सेपरेट करने में यूज़ की जाती है, जो सेम कि वो एक पार्टिकल बड़ा हो और एक छोटा हो, क्योंकि छोटे छोटे वाले पार्टिकल हमारे नीचे जाएं और बाकी वाले हमारे ऊपर आ जाएं। ओके, तो नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ओके, तो ये भी एक सेपरेशन की अपनी प्रोसेस हैं या मेथड हैं, तो चलो वन बाय वन हम इनको पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। समटाइम इट मे बी नॉट पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। फॉर एग्जाम्पल देर मे बी लाइटर इम्प्यूरिटी लाइक डस्ट और सोइल पार्टिकल इन राइस और पल्सिस। हाउ आर सच इम्प्यूरिटी सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सिस बिफोर कुकिंग? राइस एंड पल्सिस आर यूजली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। वेन यू एड वाटर टू दीज द इम्प्यूरिटी लाइक डस्ट पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड। दिस इम्प्यूरिटी गो इन टू वाटर। नाउ वट विल सिंक द बॉटम ऑफ द वेसल, राइस और डस्ट? वाई हैव यू सीन द वेसल इज टिल्ट टू पोर आउट द डर्टी वाटर? तो ये कह रहा है कि कई बार क्या होता है कि जो जैसे कभी कभी इनको सेपरेट करना क्या मतलब मुश्किल भी हो जाता है, जैसे हैंड पिकिंग से या सीविंग से इन से भी कुछ कई बार हमारा काम नहीं बनता है। जैसे हम चावल या दालों में से क्या करते हैं, मोटे मोटे कंकर या जो डस्ट हमें दिखाई देती है उनको तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन जो फाइन पार्टिकल होते हैं डस्ट के या बिल्कुल हल्के होते हैं तो उनको हम कैसे निकालते हैं? तो उनको हम कैसे निकालते हैं, उनको हम पानी की सहायता से क्या करते हैं, हम उसमें बनाने से पहले उसको पानी में डालते हैं और उनको क्या करते हैं, हम अच्छी तरह पानी में मिक्स करते हैं, जो जो इम्प्योरिटी होते हैं जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं जी ऊपर तैर जाते हैं, ना कि नीचे बैठते हैं। ओके, इन्होंने बताया कि क्या आप बताओगे कि वो चावल नीचे बैठेंगे या ऊपर? नहीं, चावल नीचे बैठ जाएंगे तो जो इसकी इम्प्योरिटीज होंगी वो ऊपर आ जाएंगी। तो हम क्या करते हैं कि जो उस बर्तन को हम थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, टेढ़ा कर देते हैं और पानी को क्या कर देते हैं हम एक सिंक में अपनी में डाल देते हैं। ओके, तो क्या जो हैवी पार्टिकल होते हैं जैसे चावल हो गया वो क्या नीचे रह जाते हैं। ठीक है, व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन ए मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट द प्रोसेस इज कॉल्ड। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जो नीचे बैठ जाती है और ऊपर से हम इम्प्यूरिटी को निकाल देते हैं, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिक्टेशन। ओके, तो जब आपने क्या किया कि जो पानी था, ठीक है, अगर उस पानी जो मिक्सचर था पानी का और जो भी आपने लिया था उस अपने कुछ भी चावल लिए थे, ठीक है, बिना हिलाए हम उसको बाहर निकाल दें, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं डिकेंटेशन। ठीक है, डिकेंटेशन। ओके, जैसे हमने उसमें पानी डाला तो क्या किया जो इम्प्यूरिटी जो ऊपर आ गई बिना हिलाए आपके, ठीक है, एक तो हम चावल को रगड़ रगड़ के धोते हैं, लेकिन जब भी आप क्या करोगे चावल लोगे या कुछ भी दाल लोगे जिसमें पानी डालोगे तो जो भी इम्प्यूरिटी ऊपर जो इम्प्यूरिटी होगी वो ऊपर तैर जाएंगी। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं डिकेंटेशन। ओके, लेट अस फाइंड द फ्यू मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ओके, द सेम पार्टिकल इज यूज फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर मिक्स, ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाई दिस प्रोसेस। इफ द मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर दैट कंपोनेंट दैट फॉर्म द टॉप लेयर कैन बी ए टॉप लेयर कैन देन द सेपरेटेड बाई
डिकेंटेशन। ओके, तो ये कह रहे हैं कि जैसे हम ऑयल और वाटर को मिक्स करते हैं तो क्या होता है, जो ऑयल है होता है वो हमारा क्या ऊपर तैरने लग जाता है। ओके, आप उसको जितना मर्जी हिलाओ लेकिन वो ऊपर ही रहेगा। अगर आप उसको थोड़ी देर रहने देंगे तो उसमें क्या रहेंगी, टू लेयर सी बन जाएंगी। जो ऑयल ऑयल होगा वो ऊपर रह जाएगा, और जो जैसे यहाँ पे ये बनाया मिक्सचर ऑयल सॉलिड सॉलिड प्लस वाटर का बनाया है इन्होंने, ऑयल वाला नहीं दिया है इन्होंने। तो वो कह रहा है कि जो ऑयल ऑयल होगा वो ऊपर तैरता रहेगा, और जो पानी होगा वो नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो इस जो द कंपोनेंट फॉर्म द टॉप लेयर कैन बी सेपरेटेड बाई डिकेंटेशन। तो जो वो ऊपर वाली लेयर थी जो सेपरेट हुई, उसको क्या बोलेंगे हम, डिकेंटेशन। ओके, लेट अस अगेन कंसिडर ए मिक्सचर ऑफ टू मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, बट वुड यू रिमूव द टी लीव्स। ओके, तो इन कह रहे कि हम एक मिक्सचर और लेंगे सॉलिड और लिक्विड का, जैसे हमने चाय बनाते टाइम किया था कि हमने वो चाय से क्या किए थे, वो चाय के जो चाय पत्ती थी हमारी या जो टी लीव्स थे चाय के पत्ते थे उसको हमने सेपरेट किया था। ठीक है, यूजली वी यूज स्ट्रेनर टू रिमूव टी लीव्स, ट्राई डिकेंटेशन, इट हेल्प्स ए लिटल, बट डू यू स्टिल गेट ए फ्यू लीव्स इन योर टी? नाउ पोर द टी थ्रू ए स्ट्रेनर। डिड ऑल टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। ओके, दिस बिच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर टी इज़ बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन? ओके, तो ये कह रहा है कि जब आप चाय बना होते हैं तो आप जब चाय को छान भी लेते हैं, ओके, तो जब चाय को छान भी ले लोगे तो क्या करोगे, तो जो चाय पत्ती तो वह अलग हो गई, लेकिन जो कुछ चाय में क्या रह जाते हैं, कुछ चाय के पार्टिकल, जो हल्के हल्के से पार्टिकल है वो चाय के ऊपर तैरते रहते हैं, बिल्कुल फाइन पार्टिकल होते हैं। ओके, तो बिच मेथड सेपरेटिंग टी लीव्स इज प्रिपेयर्ड इज बेस्ट। तो इस आप वो कह रहा है कि अगर हम हाँ जो छानने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेशन बोलेंगे। ठीक है, उस प्रक्रिया को हम फिल्ट्रेशन बोलेंगे। तो ये कह रहे हैं कि बीच मेथड जो है वो बेटर है। ओके, कि डिकेंटेशन मेथड बेटर है या फिल्ट्रेशन मेथड है। ओके, लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक? सम टाइम वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स में बी मडी, द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पोन्ड्स और रिवर में आल्सो बी मडी, स्पेशली आफ्टर रेन। लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी लाइक सॉलिड फ्रॉम द वाटर। तो ये कह रहा है कि अब हम जो हम खुद उपयोग करते हैं पानी, जो वाटर हम खुद उपयोग करते हैं ड्रिंकिंग वाटर, हम उस पर उपयोग करते हैं, क्या ये जल जो है कि वो सारा जल पीने लायक ही होता है? कभी कभी हम क्या देखते हैं कि नलों में भी गंदा पानी आ जाता है हमारे, जैसे तालाबों तथा नदियों में जो पानी इकट्ठा हो गया हो। ठीक है, तो वो क्या होता है, गंदा पानी होता है, एक जगह की मड मड टाइप इकट्ठा हो जाता है। ओके, विशेषकर आप बरसात में जो रेनी सीजन होता है तो उसमें। ओके, तो इसी के चलते कुछ ये एग्जांपल हैं, तो उसका एक्टिविटी 5 में हम देखते हैं। ओके, क्या है एक्टिविटी 5? तो एक्टिविटी 5 से आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, उस वीडियो का हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब यहाँ तक ही चैप्टर को करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5 एक्टिविटी 5 से आगे जितने भी हैं और आपकी एक्सरसाइज है वो उसमें कंप्लीट होगी। तो तब तक देखते रहिए चैनल को, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। ओके, बाय बाय।